जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे दैनिक राशिफल की। दैनिक राशिफल में 13 सितंबर 2021 के कुंभ राशि के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कुंभ राशि वालों के 13 सितंबर 2021 के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। कौन कौन से अक्षर कुंभ राशि में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। मित्रों, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर ही निर्भर करता है। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। चलिए 13 सितंबर 2021 के पंचांग को जान लेते हैं। 13 सितंबर 2021 विक्रम संवत 2078 दिन सोमवार भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष तिथि सप्तमी 3:11 तक रहेगी। फिर अष्टमी तिथि रहेगी, नक्षत्र अनुराधा रहेगा 8:23 तक सुबह में। फिर ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, राहु काल 7:47 सुबह से 9:19 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त 11:58 से 12:47 तक रहेगा। सूर्य सिंह राशि में रहेंगे और चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे आपका दशम भाव है, यानी कुंभ राशि वालों का दशम भाव है। दशम भाव व्यापार कारोबार का भाव है, तो व्यापार कारोबार में उन्नति मिलेगी। व्यापार कारोबार के लिए दिन अच्छा है। पारिवारिक लोगों से, परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, तालमेल अच्छा रहेगा। माता के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मान सम्मान मिलेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी गाड़ी वगैरह खरीदना चाहते हैं तो आज खरीद सकते हैं, दिन अच्छा है। प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों को फ़ायदा मिल सकता है और भाई बंधुओं से प्यार रहेगा और आपके सभी काम सरलता से संपन्न होते हुए मालूम पड़ेंगे आपको। नौकरी व्यापार के क्षेत्र में परिस्थिति अनुकूल रहेगी, आप मानसिक रूप से राहत महसूस करेंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ सकती है आज के दिन आपकी, और गृहस्थ जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। आज आपको कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना पड़ सकता है और उसकी वजह से आप थोड़ा तनाव में भी आ सकते हैं, इसलिए अपने को पॉजिटिव बनाए रखें, सकारात्मक बनाए रखें। और प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई व्यापार करते हैं, यानी आप प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह करते हैं, तो आज आपके लिए निवेश अच्छा रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। घरेलू मामलों में और काफ़ी समय से लंबित घर के कामकाज के हिसाब से दिन अच्छा है। किसी इंटरव्यू में जाने के लिए अच्छा समय है। आप मानसिक और शारीरिक तौर पर थोड़ी थकान महसूस कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा आराम करें और पौष्टिक भोजन लें, अपने ऊर्जा स्तर को बढ़ाए रखें। आपके मन में जल्दी पैसे कमाने की जो तीव्र इच्छा होती है कभी कभी, तो उसको लेकर आप थोड़ा सा संयम से काम लें। संपत्ति को लेकर कोई विवाद खड़े हो सकते हैं, इसलिए किसी भी पारिवारिक विवाद से आज आपको बचना ही चाहिए और संभव हो सके तो ठंडे दिमाग से सुलझाने की कोशिश करें। अगर परिवार में कोई भी प्रॉपर्टी को लेकर बातचीत है तो उसे ठंडे दिमाग से सुलझाने की कोशिश करें। कानूनी पचड़ों में किसी के साथ आज के दिन ना उलझें और आप आज आपका आपस में जीवन साथी के साथ कुछ विवाद हो सकता है जिसके आपके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे, शादीशुदा संबंधों के लिए अच्छे नहीं होंगे और आपके वैवाहिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। रिश्तों में खासकर अपने करीबी लोगों से मतभेद दूर करने के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें। अपने प्रियजनों के प्रति अपनी भावनाओं और कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए आज का दिन अच्छा है। आपको अपनी स्थिति, विशेषकर धन के मामले में थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। खर्चों को बहुत कायदे से करें, बजट बनाकर चलें, अत्यधिक खर्चे ना करें, नहीं तो फिर बाद में आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसलिए बचत और खर्चों में तालमेल बनाना बहुत आवश्यक है, इसलिए किसी भी खर्चे को करने से पहले उसकी जांच परख करें कि ये आवश्यक है या नहीं, तभी आप खर्च करें। जीवन में कई बार ऐसी चीज़ें अपने हिसाब से आती हैं, जब भी कोई चीज़ अपने हाथ में ना हो, ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती हैं,
तो धीरज और संयम से काम लेना चाहिए। शांति से इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है, इसलिए आप शांति बनाए रखें और धीरज से काम लें। अगर आप बेचैनी दिखाएंगे तो उससे आपकी स्वास्थ्य पर बुरा असर ही पड़ेगा। आज का दिन, आज का समय आप परिवार को थोड़ा समर्पित करें, ना कि दोस्त या अन्य रिश्तों में समय निकालें। थोड़ा परिवार को आज समय दें, परिवार के साथ थोड़ा समय का मजा लें। अचानक आई घरेलू मुसीबतों का आज आप पूरी डटकर सामना करेंगे और समस्याओं का हल कर लेंगे, और उन लोगों को धन्यवाद कहना ना भूलें जो आप लोगों आपकी मदद करते हैं। अपने आसपास के लोगों को प्यार बनाए रखें और अपने परिवार के लोगों की मदद से आज आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। आपके आकर्षण और करिश्मे से कोई भी नहीं बच सकता, यही कारण है कि अपने जानने वालों में आप लोकप्रिय रहते हैं और आप अपने प्रियजनों के साथ अपनी भावनाओं को आज व्यक्त करेंगे, जिससे आप स्वयं को अपने करीब महसूस करेंगे। आज का दिन संबंधों को सुधारने का, रिश्तों को सुधारने का, पुरानी गलत फहमियों को दूर करने का अच्छा दिन है। स्पष्ट रूप से दूर करने के लिए एकदम उचित समय है आज का दिन। अगर आपका कोई प्रेमी प्रेमिका है जिससे आपका मनमुटाव चल रहा है, या आपके जीवन साथी से आपका मनमुटाव चल रहा है, या आपके माता पिता से मनमुटाव चल रहा है, या आपके किसी दोस्त से मतभेद चल रहे हैं, पहले समय से चल रहे हैं, तो आज का दिन बहुत अच्छा है। आज का दिन संबंध सुधारने और पुरानी गलतफहमियों को दूर करने का दिन है, तो आप आज उनसे बात करने की कोशिश करें, कनेक्ट होने की कोशिश करें। बात बन जाएगी और आपकी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और आप दोबारा से उन रिश्तों में आ सकते हैं। आज आप एक ऐसे व्यक्ति से भी मिल सकते हैं जो आपसे दूर हो गया था, इस बात की संभावना है कि आपका पुराना प्रेमी प्रेमिका मिल जाए, प्यार की पुरानी दीवानगी आपके मन में दोबारा उठे, और पहले के और आज के रिश्तों का संतुलन बनाना आज के दिन आपके लिए सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। तो आज के दिन आप पुराने रिश्तों को लेकर और आज के रिश्तों को लेकर एक संतुलन कायम रखें, एक तालमेल बनाकर रखें, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। और उपाय की बात करें तो शनिदेव की पूजा करें, क्योंकि आपके राशि स्वामी शनि भगवान हैं, तो शनिदेव की पूजा करें और पूजा में उन्हें नीले रंग के फूल अर्पित करें। और इसके साथ ही शनि भगवान का जो मंत्र होता है, ओम शम शनिश्चराय नमः, दोबारा बोलता हूँ, ओम शम शनिश्चराय नमः का 108 बार जप करें, रुद्राक्ष की माला से करें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना ऐसे भी कर सकते हैं, और ऐसा प्रत्येक शनिवार को करें तो आपको लाभ मिलेगा। और शनिवार के ही दिन सुबह स्नान करके एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखें, फिर यही तेल किसी गरीब को दान में दे दें, इससे भगवान शनि प्रसन्न होते हैं और आपको शनि भगवान की कृपा मिलती है और आपकी बाधाएं दूर होती हैं। तो ये बढ़िया उपाय हैं, आप कर सकते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आपको कुंभ राशि वालों का 13 सितंबर 2021 के राशिफल के बारे में कुछ जानकारी दी। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतरदशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।